हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक संयुक्त परिवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक संयुक्त परिवेश परीक्षा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी त्रिकोणमिति से बहुत अच्छी क्वेश्चन और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक परिवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछा ही जाता है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक संयुक्त परिवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्या है इसके बाद क्या है कॉस 18 डिग्री प्लस फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है यह क्वेश्चन है कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो यहाँ पे देखना क्या है यहाँ जो फर्स्ट वाला है इसी को हम कॉमन लेते हैं या इसी से डिवाइड करते हैं। तो इसी से हम अप और डाउन यानी ऊपर नीचे डिवाइड करते क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 18 बटा कॉस 18 अब होल बटा 1 माइनस साइन 18 बटा कॉस 18। तो हम जानते हैं क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कितना जानते हैं टेन थीटा। तो उसी में लाना है क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन 18 डिग्री फिर हो जाएगा 1 माइनस टेन 18 डिग्री। तो 1 प्लस टेन 18 डिग्री बटा 1 माइनस टेन 18 डिग्री का मान है। तो इससे हमें लाना है क्या है 1 का हम जानते हैं कि कितना होता है टेन 45 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या टेन 45 प्लस क्या है टेन 18 फिर हो जाएगा बटा 1 माइनस यहाँ टेन 45 गुना टेन 18। ये देखिए तो हमें इस फॉर्मूला के रूप में आ रहा है क्या यानी टेन ए प्लस बी में क्या हो रहा है आता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन भी होता है ना इसी फॉर्मेट में हम ये वाला हो रहा है ऐसा फॉर्मेट हो रहा है तो इसको ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा टेन 45 प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा इसको ऐड करेंगे 8 5 13 4 1 5 1 हासिल 6 कितना हो जाएगा टेन 63 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 23 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार बनेगा। क्या है क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं क्या है क्वेश्चन कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 23 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री। तो इसको हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 23 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री होल बटा 1 माइनस साइन 23 डिग्री बटा कॉस 23 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन 23 डिग्री 1 माइनस टेन 23 डिग्री यानी इसको 1 को टेन 45 लिख सकते हैं जो अभी पीछे क्वेश्चन बनाए हम लोग क्या हो जाएगा टेन 45 प्लस टेन 23 डिग्री बटा 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन 23 डिग्री। तो टेन ये हो जाएगा टेन ए प्लस बी के रूप में हो जाएगा क्या हो जाएगा टेन 45 प्लस 23 डिग्री। तो इसको ऐड कर देंगे यानी टेन 5 3 8 4 2 6 डिग्री ये हमारा आंसर हो गया। यानी ऐसा क्वेश्चन है जो एक एग्जाम क्वेश्चन पूछता ही है और बहुत ही सरल तरीक़ों से यानी इसको हम ये वाला को क्या यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी के रूप में है यानी इसको टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी यही फॉर्मूला का यूज़ आने वाला है इस क्वेश्चन में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है
अंडर रूट 1 cos थीटा अपॉन 1 cos थीटा का सरलतम मान निकालना है हमें। यानी क्वेश्चन क्या है, 1 cos थीटा अपॉन 1 cos थीटा जो अंडर रूट में इसका सरलतम मान निकालना है हमें। तो सरलतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग परिमेयकरण, जिसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, यानी नीचे वाले से रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा बटा 1 cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये तो दो बार है, इसको लिख सकते हैं 1 cos थीटा का होल स्क्वायर बटा ये एक बार प्लस है एक बार माइनस, यानी ए प्लस बी का आप लोग फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, यानी ए प्लस अगर जो रहता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो सेम उसी पर अगर हमें करना है क्या इसको, यानी 1 cos²θ अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसमें से एक को बाहर कर सकते हैं, यानी इसको पहले लिख लेते हैं 1 cos θ का होल स्क्वायर, 1 cos²θ क्या होता है sin²θ होता है। इसको रूट अंडर से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 cos θ बटा sin θ हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हम करेंगे, 1 sin θ प्लस cos θ बटा sin θ। तो ये sin θ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, cosec θ। और cos θ बटा sin θ कितना होता है, cot θ होता है। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या 1 tan 15 बटा 1 tan 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है 1 tan 15 बटा 1 tan 15। तो ये तो फॉर्मेट दिया हुआ है, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, यानी सरलतम रूप कुछ दिया हुआ है और इसको और करना है। ये 1 का मान हम अभी बताए हैं कितना होगा, 1 tan 45 लिखिए, 1 tan 45 प्लस 1 tan 15 degree बटा 1 tan 45 इंटू 1 tan 15। तो क्या हो जाएगा, यानी 10a + b अपॉन 1 tan a × b के रूप में है, क्या होता है 10a + b होता है। तो क्या करेंगे, 1 tan 45 + 15, तो 10 कितना हो जाएगा 60 degree है। इतना आंसर लिख सकते हैं, या इसका आंसर हो सकता है 10 60 का मान कितना होता है √3, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 15 का मान निकालना है, यानी sin 15 का मान निकालना है। तो क्या होगा, तो sin 15 का मान क्या होता है निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, sin 45 - sin 30 degree लिख सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला बैठाने क्या है, sin (a - b) के फॉर्मूला पर, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a (cos b) - cos a (sin b) होता है। तो उसमें बिठाना है क्या, हमें ए के जगह पर कितना लेना है 45 और बी के जगह पर 30 degree लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए यानी sin 45 degree इंटू कॉस बी है तो यहाँ cos 30 degree माइनस कॉस ए यानी cos 45 इंटू sin 30 degree। तो क्या हो जाएगा, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुना cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 माइनस cos 45 का मान वो 1/√2 cos 30 का मान 1/2। अब देखिए ऊपर तो √3 हो जाएगा और नीचे है 2 × √3 √2 कितना 2√2 माइनस ऊपर 3 हो जाएगा 2√2 होगा, और 2√2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो √3 - 1 यानी इसीलिए कितना हो जाएगा, sin 45 का मान √3 - 1 अपॉन 2√2 यह cos 75 के मान के बराबर होता है। sin 45 का जो मान होता है वो cos 75 के मान के बराबर होता है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है क्या है, 1 cos 2a बटा 1 cos 2a। तो बनाते हैं 1 cos 2a बटा 1 cos 2a। तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा
ये आप लोग जानते होंगे, 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² a, और 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला 2 cos² a। यही फॉर्मूला को हमें लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a क्या लिख सकते हैं, 2 sin² a अपॉन, इसको लिखते हैं 2 cos² a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे क्या, cos² a बटे sin² a, क्या हो जाएगा, 10² a, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी sin θ बटा 1 प्लस cos θ बटा sin θ इसका वैल्यू कितना दिया है, 4। तब थीटा का मान क्या होगा, जबकि 0 से बड़ा या बराबर थीटा है लेकिन कि π/2 से के बराबर या इससे छोटा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin θ बटा 1 प्लस cos θ प्लस 1 प्लस cos θ बटा sin θ = 4 है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे पहले कैसे, तो इसका पहले तो एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos θ * sin θ। अब यहाँ देखना है = 4 है, इसके बटा में 1 प्लस cos θ cos θ है, क्या साइन थीटा तो नहीं है, तो साइन थीटा को ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, sin²θ। देखिए साइन थीटा इसके बटा में है, इसमें 1 प्लस cos θ 1 प्लस cos θ का कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो करेंगे इसका क्या हो जाएगा, sin²θ, और इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में करेंगे, यानी ए का होल स्क्वायर प्लस 2 cos θ प्लस cos²θ बटा 1 प्लस cos θ * sin θ बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए हम जानते हैं कि sin²θ + cos²θ का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 + 1 + 2 cos θ / 1 + cos θ * sin θ बराबर 4, और एक कितना हो जाएगा, 2, इसमें से 2 हो जाएगा, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे क्या होगा, 1 + cos θ / 1 + cos θ * sin θ बराबर कितना, 4 हो जाएगा। इससे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + cos θ से 1 + cos θ, बच के हमारे पास 2 बटा sin θ = 4, और इसको क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 बटा 4 हो जाएगा। तो 2 बटा 4 होगा, तो इससे इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 होगा, यानी sin θ = 1/2। तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना, sin 30° का वैल्यू, साइन से साइन को कैंसिल करेंगे, θ = कितना हो जाएगा, 30° हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है cos 36°, इसका वैल्यू हमें याद करना होगा, क्या है cos 36° का वैल्यू कितना है, √5 + 1/4 होता है, ये क्वेश्चन हमें याद करना होगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, यदि दिया हुआ है x + 1/x = 2 cos θ दिया है, तब x³ + 1/q का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ है क्या, वो पहले लिख लेंगे x + 1/x = 2 cos θ दिया हुआ है, और एक फॉर्मूला क्यू में निकालना है, तो हमें क्यू वाला फॉर्मूला मालूम है, होता है क्या है, x³ + 1/q = x + 1/x³ - 3 × x + 1/x। तो ये वाला, इसका तो वैल्यू हमें मालूम है कि 2 cos θ का होता है इसका होल क्यू, और इसका मालूम है 3 × 2 cos θ, 2 cos θ है, तो इसको 2 बार गुना, यानी 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, cos³ हो जाएगा cos³θ इंटू 2 + 3 = 6 cos θ, और इसमें से हमें 2 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 cos³θ - 3 q θ, ये किसका फॉर्मूला है, cos³θ का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 2 cos³θ हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, cos³θ + sin⁻⁶⁶θ का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनाते हैं, cos³θ + sin⁻⁶θ है, यानी cos²θ का होल 3 है, यानी + sin²θ का होल 3 है, तो इसको क्या है, ये हो जाएगा sin, यानी aq + bq के फॉर्मूला में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक बार इसको प्लस करते हैं, यानी sin²θ + cos²θ * cos² + sin²θ² + sin²θ² - sin²θ * cos²θ।
तो इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर यानी कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस, ये जैसे कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें से देखते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं 1 इंटू, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या है, ये तो 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस में 2 है और माइनस में 1 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थैंक यू वेरी मच, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित मिलता रहे। अभी थैंक यू वेरी मच।